दोस्तों सभी को नमस्कार। उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सौरभ तंवर, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं हिस्ट्री संबंधित, नाम है जैन धर्म। तो बच्चों जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न किसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम सभी क्वेश्चनों को आज आपको एक एक करके धीरे धीरे बताएंगे। दोस्तों जैन धर्म, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बौद्ध धर्म करवाया था, दो वीडियो में, उम्मीद है सभी बच्चों ने वीडियो देखी होंगी। तो जैन का अर्थ क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जैन का अर्थ होता है बच्चों जिन। जैन का अर्थ, तो जो जैन का क्या अर्थ होता है बच्चों, जिन अर्थार्थ विजेता, अर्थार्थ विजेता। जैन का क्या अर्थ होता है बच्चों, जिन अर्थार्थ विजेता होता है बच्चों। किसका, जैन का अर्थ क्या होता है बच्चों, विजेता होता है। एक चीज और बताओ, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक धर्म थे, दोनों नास्तिक धर्म थे। अच्छा, नास्तिक मतलब यह है कि ये किसी भगवान को नहीं मानते थे। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कैसे धर्म थे बच्चों, नास्तिक धर्म थे। जैन धर्म के संस्थापक, तो जो जैन धर्म संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, ऋषभदेव। तो जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों, ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। क्या बच्चों, आदिनाथ भी कहा जाता है, और जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, जो ऋषभदेव को कहा जाता है, और ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है, जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और जिसका वर्णन हमें किसमें मिलता है बच्चों, ऋग्वेद में। उसका क्या मिलता है बच्चों, में वर्णन मिलता है किसका बच्चों, ऋषभदेव का या आदिनाथ का। तो इस प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से, और इसका वर्णन हमें बच्चों किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो जो जैन धर्म के जो गुरु होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थ। जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता था, तीर्थकर कहा जाता था। तो जो जैन धर्म, जैसे ऋषभदेव थे, तो ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थकर थे। जो इसके मानने वाले थे उनको क्या कहा जाता था, तीर्थकर कहा जाता था। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे बच्चों, ऋषभदेव थे। कुल कितने तीर्थकर हुए बच्चों, 24 तीर्थकर कुल हुए हैं। कुल कितने तीर्थकर हुए बच्चों, 24। जैन धर्म कुल कितने तीर्थकर हुए बच्चों, 24 तीर्थकर हुए हैं, या 24 अवतार जैन धर्म में हुए हैं। तो बच्चों इसके बाद में आगे पढ़ाते हैं हम, तो जैन धर्म, तो ये जैन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जैन होता विजेता। चलो जो मिटा के आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, तो बच्चों से आगे हम पढ़ते हैं कि मैंने आपको अभी आपको बताया था कि प्रथम ऋषभदेव, प्रथम पार्श्वनाथ कौन थे बच्चे, उसके ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो बच्चों उसके बाद में हमें जो वर्णन मिलता है, 22वें तीर्थकर का मिलता है, जिसके थे बच्चे अरिष्ट नेमी थे। 23वें तीर्थकर कौन थे बच्चों, पार्श्वनाथ थे। इस अरिष्ट नेमी का वर्णन भी हमको ऋग्वेद में मिलता है बच्चों। एक तो हमको किसका मिलता था बच्चों, पार्श्वनाथ का वर्णन मिलता था, और 23वें तीर्थकर कौन थे बच्चों, पार्श्वनाथ थे। ये काशी नरेश, ये पार्श्वनाथ कौन थे बच्चे, काशी नरेश असफ सेन के बेटे थे। इन्हें सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में बच्चों, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 4 शिक्षाएं हमको दी थी बच्चों, जो जैन धर्म की कुल शिक्षाएं मानी जाती है, 5 शिक्षाएं मानी जाती हैं। जो 5वीं शिक्षा थी वो महावीर स्वामी ने दी थी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी बस, सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और अस्तेय बच्चों, अस्तेय का मतलब होता है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और एक होता है बच्चों अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है बच्चों, धन का संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या बच्चों, सभी धन का संचय करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपरिग्रह मतलब होता है बच्चों, धन का संचय नहीं करना चाहिए। प्रश्न कैसे बनता है बच्चों इसमें से, कि जो जैन धर्म की शुरू की 4 शिक्षाएं थी वो किन्होंने दी थी बच्चों, पार्श्वनाथ ने दी थी। लेकिन जो 5वीं शिक्षा जोड़ी थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, वो किसने जोड़ी थी बच्चों, वो जोड़ी थी बच्चों महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा जोड़ी थी, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो उसकी 5वीं शिक्षा जोड़ी थी। तो दोबारा से बताना चाहता हूं मैं कि प्रथम तीर्थकर कौन थे बच्चों, ऋषभदेव थे। कौन थे बच्चों, ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था। उसके बाद हमें 22वें तीर्थकर का वर्णन मिलता है अरिष्ट नेमी का। अरिष्ट नेमी का वर्णन भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। और 23वें तीर्थकर वर्णन का पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बारे में सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको लिखी है। मैं लिख इसलिए देता हूं बच्चों वीडियो को पॉज करके, ताकि हमारे बच्चों का समय बचे, बच्चों को ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो जो महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर कहा जाता है, 24वां तीर्थकर बोला जाता है। और जैन धर्म का बच्चों वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बच्चों इनके जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने सभी पॉइंट में से प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था।
तो जो जन्म की डेट भी पूछी जाती है कि 540 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था बच्चों, कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में क्या हुई थी बच्चों, की मृत्यु हुई थी। तो बच्चों ये 468 ईसा पूर्व जो दिया हुआ किसी किसी बुक में अलग दिया हुआ है, लेकिन बच्चों जो मैंने लिखा है 468 ईसा पूर्व ये बिल्कुल सही है। और जब बचपन का नाम क्या था बच्चों, वर्धमान। बचपन का क्या नाम होता था बच्चों, महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था बच्चों, वर्धमान था। कुल का नाम क्या था बच्चों, ज्ञात्र कुल, क्योंकि उनके पता ज्ञात्र कुल से संबंध रखते थे तो उनके कुल का क्या नाम था बच्चों, ज्ञात्र कुल था। पिता का क्या नाम था बच्चों, सिद्धार्थ होता था। उनके बच्चों महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था बच्चों, त्रिशला, जो की चेतक की बहन होती थी, चेतक की बहन थी बच्चों त्रिशला। और ये चेतक कौन था बच्चों, जो मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी थी उसमें आप एक बार देखना कि चेतक कौन था, मैंने उसके बारे में अच्छे प्रकार से विवरण किया है उसमें। तो बच्चों पत्नी का नाम क्या था बच्चों, इसका यशोदा था। और बच्चों बेटी का क्या नाम था, उसका प्रियदर्शनी था। बेटी का क्या नाम था बच्चों, प्रियदर्शनी था। और दामाद का क्या नाम था बच्चों, जमाली। दामाद का क्या नाम था बच्चों, जमाली था। और वो ही इनका पहला शिष्य भी बना था। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है बच्चों कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य है, पहला शिष्य कौन बना था बच्चों, जमाली, जो क्या होता था इसका दामाद होता था बच्चों। क्या होता, इसकी प्रियदर्शनी थी जो इसकी बेटी का पति था बच्चों जमाली। और इनका पहला शिष्य बना था किसका बच्चों, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बना था बच्चों, जमाली पहला शिष्य। तो जो महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और अंतिम तीर्थ कर भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन्होंने सोचो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया बच्चों, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया बच्चों। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। जब बच्चों महात्मा बुद्ध ने कितने किया था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था बच्चों। इन्होंने जो गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई था नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई होते थे बच्चों नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। कि उन्होंने बच्चों, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, किससे आज्ञा लेकर बच्चों, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। और बच्चों इन्होंने 12 साल कितने बच्चों, 12 साल लगातार कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। और बच्चों तपस्या सिर्फ एक ही कपड़ों में की थी, इन्होंने कहा जाता है कि महावीर स्वामी के ऊपर दीमक चढ़ गई थी, इतने बुरे कपड़े हो गए थे, एक ही कपड़ों में इन्होंने 12 साल लगातार कठोर तपस्या की थी। और बच्चों महावीर का अर्थ क्या होता है, महावीर का अर्थ होता है समर्पण। महावीर का अर्थ क्या होता है बच्चों, समर्पण, कि किसी के प्रति समर्पण होना। बच्चों इन्होंने इतना समर्पण किया ज्ञान के प्रति कि इन्होंने 12 साल एक ही कपड़ों में, ये भी वो नहीं था कि मैं एक ही कपड़ों में बैठा हुआ हूं, तो 12 साल लगातार कठोर तपस्या की थी, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किया। और उसे इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर, तब बच्चों ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में, कहां पे बच्चों, जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों कब हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति, ऋजुपालिक नदी तट पर। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर लाइन में प्रश्न है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिक नदी तट पर, कौन से ग्राम में हुई थी बच्चों, जाम्बिक ग्राम में हुई थी, कितने वर्ष की आयु में हुई थी बच्चों, 42 वर्ष की आयु में हुई थी, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी बच्चों, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों, किसको, महावीर स्वामी को। और महावीर का अर्थ होता है बच्चों किसी के प्रति समर्पण, मतलब समर्पण करना। और 12 साल मतलब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, नंदीवर्धन इसके बड़े भाई होते थे उनसे आज्ञा लेकर किया था, और 12 साल लगातार कठोर तपस्या की। और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, जाम्बिक ग्राम में, कौन सी नदी तट पर हुई थी बच्चों, ऋजुपालिक नदी तट पर हुई थी, कितने वर्ष की आयु में बच्चों, 42 वर्ष की आयु में, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही कैवल्य कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बच्चों क्या कहलाए, कैवल्य, क्या कहलाए बच्चों, कैवल्य कहलाए, कैवल्य कहलाए। तो जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए बच्चों, कैवल्य कहलाए। और इन्होंने अपना पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश बच्चों, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था बच्चों, कहाँ पे दिया था, राजगृह में दिया था बच्चों, किसको दिया था, मैंने अभी पिछले उसमें बताया था स्लाइड में अपनी में कि कहाँ पे दिया था, किसे दिया था बच्चों, जमाली को, किसे दिया था बच्चों, जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था बच्चों, वो राजगृह में दिया था। और बच्चों जमाली कौन होते थे, इसके दामाद होते थे।
बच्चों इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह किसको दिया था बच्चों, जमाली को दिया था। इनकी भाषा कौन सी थी बच्चों, इनकी भाषा होती थी प्राकृत भाषा, प्राकृत और अर्धगामी, अर्धगामी प्राकृत और अर्धगामी भाषा होती थी बच्चों इनकी, किसकी बच्चों, जो ये उपदेश देते थे उनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत। जबकि जो महात्मा बुद्ध जो वो देते थे बच्चों भाषा उपदेश देते थे बच्चों, तो उनकी भाषा क्या थी बच्चों, उनकी भाषा थी पाली। लेकिन बच्चों इनकी भाषा कौन सी होती थी, प्राकृत या अर्धगामी भाषा होती थी बच्चों। किनकी, इन्होंने इन्होंने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और सम्यक आचरण। तो बच्चों इन्होंने त्रिरत्न दिए अपने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दूसरी बात बच्चों इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। चार शिक्षा तो बच्चों किसने दी थी, उनको पार्श्वनाथ ने दी थी, और जो पांचवी शिक्षा उसमें जोड़ी थी बच्चों, किसने जोड़ी थी, महावीर स्वामी ने। और बच्चों पांचवी शिक्षा कौन सी थी बच्चों, पांचवी शिक्षा वो बच्चों इसने जोड़ी थी, वो बच्चों कौन सी थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये प्रश्न बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा जोड़ी थी, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। लेकिन बच्चों अगर पांचों शिक्षाओं में तो सबसे अगर महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है तो वो माना जाता है अहिंसा का पालन करना। सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो कौन सी बच्चों, अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। ये इन पांचों शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। और बच्चों ये जो बौद्ध जैन धर्म के जो बच्चे लोग होते थे, ये कर्म, कर्म में पूर्व जन्म, कर्म और पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे। इन्होंने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या बताया, कर्म फल बताया था। महावीर स्वामी ने कहा था कि पूरा के पूरा संसार दुख में है और बच्चों दुख का कारण क्या बताया था, ऐसे दुख का कारण बताया था कर्म फल, कि जो कर्म करते हैं उसके कारण हम क्या मिलता है बच्चों, दुख मिलता है। तो बच्चों कर्म में पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। दूसरी बात क्या थी बच्चों, ये नास्तिक धर्म थे, नास्तिक थे मीन्स ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो बच्चों ईश्वर को नहीं मानते थे, कर्म में पूर्व जन्म में विश्वास तो रखते थे लेकिन बच्चों नास्तिक थे और ईश्वर को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि अगर हम कर्म करेंगे तो हम सब कुछ अच्छा होगा। इन्होंने इसलिए कहा था कि संसार दुख में है और दुखों का कारण ने क्या बताया, कर्म फल बताया था। बच्चों इसे आगे देखते हैं। तो बच्चों जैन धर्म में जो कुल संगति हुई बच्चों, कितनी बौद्ध, कितनी जैन संगति हुई बच्चों, दो जैन सभा हुई है। जैसे बौद्ध धर्म क्या हुई थी संगति, तो जैन बौद्ध धर्म के तरीके बौद्ध संगति हुई, तो चार बौद्ध संगति हुई थी। लेकिन बच्चों जैन सभा, लेकिन जैन धर्म क्या होती थी बच्चों, जैन सभा, तो जो जैन धर्म में टोटल दो जैन सभा हुई थी। तो जो प्रथम जैन सभा हुई थी बच्चों पाटलिपुत्र में, जिसे आज वर्तमान में क्या कहा जाता है बच्चों, पटना कहा जाता है, और 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी बच्चों। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जब मौर्य वंश चल रहा था। और वो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था बच्चों, जैन धर्म को मानता था। जबकि जो उसका पोता था अशोक, वो किस धर्म को मानता था बच्चों, बौद्ध धर्म को मानता था। इस संगति में जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य में कुल कितने अंग है बच्चों, जैन साहित्य में कुल कितने अंग है बच्चों, 12 अंग है। तो 12 अंगों की जो रचना हुई थी बच्चों किस में हुई थी, 12 अंगों की रचना किस में हुई थी बच्चों, प्रथम जैन सभा में ही हुई थी। इसी संगति में बच्चों जैन धर्म दो भागों में बट गया था। वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि जैन धर्म दो भागों में कौन कौन से में बटा था। बच्चों जैन धर्म भी दो भागों में बट गया था क्योंकि इनके विचारों में अंतर आ गया था। एक दूसरी बौद्ध संगति हुई थी बच्चों 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी बच्चों। तो बच्चों टोटल दो बौद्ध संगति बोल लो, जो बौद्ध नहीं बच्चों जैन संगति है। तो दूसरी जो जैन संगति हुई थी या जैन सभा हुई थी बच्चों, वो 512 ईस्वी में बच्चों वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो बच्चों टोटल दो जैन सभा हुई है, जो कि बौद्ध संगति चार हुई थी और जैन सभा कितनी हुई बच्चों, दो हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, और जो जैन धर्म को मानता था, इसी के शासनकाल में इसी ने जैन सभा करवाई भी थी, और इसी संगति में जैन धर्म बच्चों दो भागों में बट गया था और 12 अंगों की रचना हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य में कुल कितने अंग होते हैं बच्चों, 12 अंग होते हैं। और बच्चों दूसरी जैन संगति किसमें हुई थी बच्चों, 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। बच्चों इससे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि जो जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर दिगंबर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिटा दो तुम। तो बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं हम श्वेतांबर दिगंबर। मैंने आपको बताया था प्रथम जैन सभा में जो ये था जैन धर्म बच्चों दो शाखाओं में बट गया था। तो बच्चों महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी, किसकी बच्चों, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी।
संघ की स्थापना की थी, जिसमें बच्चों 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों संघ में? 11 सदस्य थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन 11 सदस्य, इन 11 सदस्यों में ही इनके जो विचार थे, विचारों में क्या अंतर आ जाता है और फिर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। 11 सदस्य दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। बच्चों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट है बच्चों। श्वेतांबर का जो संस्थापक होता था वो सतुल भद्र था बच्चों। श्वेतांबर का संस्थापक कौन था? सतुल भद्र। और दिगंबर का संस्थापक कौन था बच्चों? भद्र भाऊ। दिगंबर का संस्थापक कौन होता था बच्चों? भद्र भाऊ। और बच्चों जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था आपको, पिछली स्लाइड में जो बताया था बच्चों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था, तो जो जैन धर्म की कौन सी शाखा को मानता था? दिगंबर शाखा को मानता था। कौन बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दिगंबर शाखा को मानता था। और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा बच्चों किससे ली थी? भद्र बाहु से ली थी। प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी बच्चों किससे? भद्र बाहु से। बच्चों ये सफेद कपड़े पहनते थे। कौन बच्चों? श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे। देखो जो दिगंबर होते थे बच्चों नंगे रहते थे, ये बदलाव को स्वीकार करते थे, ये बदलाव को नहीं मानते थे, बदलाव को स्वीकार बच्चों नहीं करते थे। कौन होते? दिगंबर वाले। इनके अनुसार स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ये श्वेतांबर कहते थे कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि बच्चों दिगंबर कहते थे, ये मना करते थे कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ये मूर्ति पूजा करते थे, ये कहते थे कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे क्योंकि ये तो इसको भगवान मानते थे बच्चों। किसको? महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, जबकि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे क्योंकि महावीर स्वामी क्या मानते थे बच्चों? महापुरुष मानते थे। तो महावीर स्वामी ने जो संघ की स्थापना की थी, जो संघ में 11 अनुयायी थे इनके संघ में, तो 11 अनुयायियों में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है बच्चों? विचारों में अंतर आ जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। उसके प्रकार मैंने आपको ये बताया, जो कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बच्चों ले सकता है। तो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे जो चार भागों में बटे हुए थे, एक तो जो भिक्षुक भिक्षुनी श्रावक और श्राविका। तो जो भिक्षुक और भिक्षुनी होते थे शादी नहीं करते थे, और जो श्रावक श्राविका होते थे इन्हें शादी करने का हक होता था। तो जो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग होते थे चार भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक भिक्षुनी और श्रावक श्राविका। भिक्षुक भिक्षुनी शादी नहीं करते थे, भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे, लेकिन जो श्रावक श्राविका अपना जीवन जीते थे और इन्हें शादी करने का क्या था बच्चों? हक होता था। जैसे बच्चों ऋषभदेव मैंने बताया था, ऋषभदेव संस्थापक कहे जाते हैं जैन धर्म के। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता था बच्चों क्या होता था? सांड या बैल होता था बच्चों। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होता था बच्चों? हाथी होता था। उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होता था बच्चों? सर्प होता था। और जो हमारे महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता था बच्चों? शेर होता था। ये प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं कि किसका प्रतीक चिन्ह क्या होता था। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवती सूत्र, मैंने जब आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था मेरी पिछली वीडियो में, आप देख रहे हैं एक बार उसे, तो भगवती सूत्र ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें हमें महावीर स्वामी बस सभी 16 महाजनपदों की क्या मिलती है बच्चों? जानकारी मिलती है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि भगवती सूत्र किस प्रकार का ग्रंथ बच्चों? जैन ग्रंथ है। दूसरी बच्चों कल्प सूत्र, कल्प सूत्र की रचना किसने की थी बच्चों? भद्र भाऊ, जो दिगंबर शाखा को मानते थे, दिगंबर के जिसने संस्थापक थे, दिगंबर ब्रांच के शाखा के भद्र भाऊ, और जिन्होंने भद्र भाऊ ने बच्चों किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी जैन धर्म की। बच्चों कल्प सूत्र जो हमें जैन धर्म का आरंभिक इतिहास बताती है, उसकी रचना किसने की बच्चों? कल्प सूत्र के भद्र भाऊ ने की थी। और बच्चों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जामों में कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बच्चों? आगम कहा जाता है। उसके बाद बच्चों जैन साहित्य में बच्चों 12 अंग होते थे जिनमें बौद्ध के जिसमें जैन के साहित्य लिखे होते थे, जैन धर्म के साहित्य लिखे होता था। और बच्चों उपांग, उपांगों की संख्या कितनी थी बच्चों? 12 थी। जैसे बच्चों जैन साहित्य में 12 अंग होते थे, बच्चों 12 ही उपांगों की संख्या थी। ये जैन धर्म के जो मैंने बताया अभी जो इतिहास था, जो ग्रंथ थे, उनको विस्तार से पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए उपांगों की रचना की गई थी बच्चों। जैसे वेद को पढ़ने के लिए उपवेद की रचना की गई थी, उसी प्रकार इन अंगों को पढ़ने के लिए उपांगों की रचना की गई थी। उपांग भी कितने थे बच्चों? 12 थे। बच्चों परिप्रकीर्ण, परिप्रकीर्ण कितने थे बच्चों? 10 थे, जिनमें ग्रंथों का सार दिया हुआ था। बच्चों परिप्रकीर्ण संख्या कितनी थी बच्चों? 10 थी, जिसमें क्या था बच्चों? ग्रंथों का सार था। छेद सूत्र कितने थे बच्चों? 6 थे। और बच्चों मूल सूत्र कितने होते बच्चों? मूल सूत्र थे बच्चों 4, जिसमें हमें भिक्षुक भिक्षुनी श्रावक और श्राविका का वर्णन मिलता है। जो भिक्षुक भिक्षुनी श्रावक श्राविका मैंने बताया बच्चों, इनका वर्णन हमें कहां से मिलता है बच्चों? छेद सूत्र और मूल सूत्र। छेद सूत्र बच्चों 6 थे और मूल सूत्र कितने थे बच्चों? 4 थे, जैन धर्म के, जिनमें हमें भिक्षुक भिक्षुनी श्रावक और श्राविका का वर्णन मिलता है। तो जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी कोई क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। ये सारे प्रश्न मैंने वो हैं जो पुराने एग्जामों में प्रश्न आते हैं, उनके थ्योरेटिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी
वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।